This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी हुई है, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। पश्चिम बंगाल के तटों पर बीती रात रेमल तूफान टकराया, इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, कोलकाता एयरपोर्ट का संचालन रोक दिया गया था। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय के मुताबिक विवेक विहार अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक बुलाई है। सातवें चरण के मतदान के बाद 1 जून को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम बैठक होगा, चुनाव नतीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी, आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पुणे के पोर्शे कार हादसे के आरोपी किशोर ड्राइवर के खून के नमूने में हेर फेर करने का डॉक्टरों पर आरोप लगा है, इन आरोप में पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने शांति वन पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कुछ हिस्सों में जलजमाव देखा गया है। उत्तर प्रदेश के बड़ौद के एक अस्पताल में आग लग गई, आग बुझाने का काम जारी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अस्पताल में आग लग गई और दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को पार कर गया है। तूफान सागर द्वीप व खेपूपारा के बीच से आगे निकल गया है, ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी सोमवार को बिहार का दौरा करेंगे। एक दिवसीय दौरे पर राहुल पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी पूरे दक्षिण बंगाल में तेज हवाएं चलने की संभावना है। नादिया और मुर्शिदाबाद के बीच सोमवार को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। चक्रवात रेमल के कारण कोलकाता में तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी है, जिसके चलते पूरे शहर में पानी भर गया है। राहत एवं बचाव के लिए बंगाल में NDRF की 14 टीमों को तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि ये भारी चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के किनारों को पार कर रहा है। आगे उन्होंने बताया, अब तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। IMD के अनुसार चक्रवात रेमल सागर द्वीप समूह पश्चिम बंगाल से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर है। ये तूफान अगले 3 घंटे में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच समुद्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। चक्रवात रेमल का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिला है। कई तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। अगले 4 से 5 घंटे तक कई इलाकों में भारी से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को बिहार के एक दिवसीय दौरे पर पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा पहुंचेंगे और चुनावी रैली करेंगे। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वाराणसी पहुंचे हुए हैं, सोमवार को वो काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर एवं चंदौली में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजकोट अग्निकांड को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, याचिकाकर्ता और सरकार के वकील की ओर से दलीलें पेश की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से दोनों अपर महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।